BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। यही बोलना चाहूंगी कि हमारा सच्ची खबर दिखाना ही हमारा उद्देश्य है, ना कि व्यापार है। और दूसरी चीज, यहाँ पे कितना चैलेंजिंग रहा हमारे लिए, तो ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा है। इसलिए नमस्कार मित्रों, अभी हम सिवान शहर में मौजूद हैं और सिवान शहर में हम पिछले 6 महीने से सपनों का सिवान शुरू किए हैं, जिसके तहत हम वैसे लोग को ला रहे हैं जो वाकई में अपने क्षेत्र में कुछ ज़बरदस्त कर रहे हैं, कुछ वैसा काम कर रहे हैं जो कि दिखाने लायक है। और इसी क्रम में हम अलग अलग क्षेत्र के बहुत लोगों का इंटरव्यू किए हैं, उनसे कुछ सीखने का प्रयास किए हैं और उनके बारे में भी पूरे विश्व को बताने का कोशिश किए। इसी क्रम में एक नए सेक्टर से आज हमारे साथ एक अतिथि मौजूद हैं, और वो जो सेक्टर है वो न्यूज़पेपर का है। बड़ा ताजुब होता है कि अपने सिवान और गोपालगंज से अगर कोई न्यूज़पेपर पहली बार स्टार्ट हो और यहीं से उसका प्रकाशन हो, यहीं के द्वारा निर्धारित किया जाए कि क्या क्या उसमें छपेगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ उसको किया जाए, तो उसका नाम है बिहार कथा। बिहार कथा जो कि साप्ताहिक एक बड़ा अच्छा अखबार आता है, जो कि अपने सिवान में लोगों को प्रदान किया जाता है, और उसका प्रकाशन चूँकि होता है तो पटना से, सिवान में वैसी सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन बड़ा अच्छा एक इसमें दिखाया जाता है। आप देख सकते हैं, अभी हाल ही में एक सम्मान समारोह इसका हुआ था, बहुत अच्छा ये चला था और बहुत बढ़िया से इसमें बहुत अलग अलग तरह के अलग अलग क्षेत्र के अतिथि आए थे, जो कि इस अखबार के बारे में और अच्छे से जाने, उनको सम्मानित किया गया, उनको दिखाया गया कि इसकी कितनी बड़ी टीम है। तो सब आज की हमारी अतिथि, हम बिहार कथा न्यूज़पेपर के कार्यालय पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले स्वागत करेंगे नाच परवीन जी का। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं नाच परवीन बिहार कथा से, जो हमारा ये पेपर है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और हमारा जो ऑफिस है वो रजिस्ट्री कचहरी के पास बगल में है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इनको इंटरव्यू देते हुए कि आज हमारी ऑफिस में आए और हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे सटीक और सबसे डायरेक्ट सवाल, क्योंकि अभी के समय में फिंगर टिप्स पे ही ज़्यादा लोग स्लाइड करते हुए खबरों को पढ़ ले रहे हैं क्या क्या अपने आसपास घटी है, तो अखबार की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अखबार की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि फ़ोन पे कब डिलीट हो जाए, क्योंकि जिस अंगूठे की बात कर रहे हैं तो जहाँ पे हम अंगूठे से कोई भी चीज़ एक बार में गूगल कर सकते हैं, वहाँ उसको हम मिटा भी अंगूठे से ही सकते हैं, लेकिन पेपर एक ऐसा माध्यम होता है इसे ना कोई भी मिटा नहीं सकता। अगर आपको ये लाइब्रेरी भी आप ढूंढोगे तो ये आपको 50 साल बाद भी मिलेगा, इसलिए मोबाइल में और पेपर में यही फ़र्क होता है। क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएँ होती हैं आपके अखबार में? मुख्य विशेषताएँ देखा जाए तो हमारे अखबार में जो हमारे समाज में जो चीज़ें घट रहा है उसे हम साफ सुथरे तरीके से हम इसमें दिखाते हैं, और हमारे जो पेपर है हम किसी बगैर किसी के दबाव में निकालते हैं, प्लस हम इसको जैसे भी होता है हम किसी मतलब ऐड के मोहताज नहीं होते हैं, और किसी भी तरह का कोई हमारे ऊपर बाहर लोगों का दबाव नहीं, हमारा खुद का पेपर है और हम खुद का ही पेपर निकालते हैं और खुद की जो सच्ची खबरें होती है उसे हम दर्शाते हैं। जहाँ तक हमने जानकारी ली तो मालूम हुआ कि हथुआ से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और 2015 से ये शुरुआत हुई, इसका रजिस्ट्रेशन और उस वक्त से काम शुरू हुआ। तो ये जो सफ़र, क्योंकि ज़माना फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि ज़्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पे बहुत सारी खबरें जान ले रहे हैं, तो ये सफ़र कितना चैलेंजिंग रहा, कितने मतलब बहुत होता है कि क्योंकि एक तरह का ये भी व्यापार ही है, एक बिजनेस ही है, तो ये कितना आपका संघर्षपूर्ण रहा? आपका कहना सही है कि एक तरह का ये व्यापार भी है और एक तरफ का देखा जाए तो जहाँ तक संघर्ष की बात है, तो व्यापार से मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारा सच्ची खबर दिखाना ही हमारा उद्देश्य है, ना कि व्यापार है। और दूसरी चीज़, यहाँ पे कितना चैलेंजिंग रहा हमारे लिए, तो ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा है, इसलिए कि आज के वक्त में बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है, और जहाँ तक देखा जाए तो जितने ऑफिशियल लोग भी हैं वो भी फ़ोन ही यूज़ करते हैं, लेकिन पेपर के मामले में देखा जाए तो फ़ोन में पहले भी बता चुकी हूँ कि डिलीट किया जा सकता है लेकिन पेपर को मिटाया नहीं जा सकता, तो जहाँ तक जो लिख के हो जाता है वो फ़ोन पे या बोलने से नहीं होता है, जो एक वो कहावत हमारे में है कि लिखने के आगे
लिखतम के आगे बख्तम क्या है? लिखतम के आगे बख्तम कोई माने नहीं रखता, इसलिए हमारा पेपर ही हमारा उद्देश्य है। तो अभी भी बहुत लोग ऐसे मार्केट में मौजूद हैं जो कि एडिटोरियल को पसंद करते हैं, जो कि आर्टिकल समझने की ताकत रखते हैं, वो चाहते हैं कि कुछ बढ़िया लिखा हुआ हमको मिले, कुछ जो सामाजिक अभी बुराई है उस पर कुछ वैसा लिखने को हमको मिले, वैसा दिखने को मिले जो कि कुछ बदलाव लाए। पहले के समय में एक समय था कि गीत से, बात से, राग दीपक, बहुत सारे ऐसे थे पहले तानसेन के वक्त कि मतलब अपने बातों से बहुत जगह क्रांति आई हमारे देश में, हमारा देश जो आज़ाद हुआ, क्रांति आई आपके बहुत बढ़िया बढ़िया स्टेटमेंट से, जो कि अभी जैसे गांधी जी का कुछ स्टेटमेंट रहता है, कुछ सुभाष चंद्र बोस जी का रहता है, तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट से बहुत हुआ। तो आपका कुछ पंच लाइन भी है क्या आपके न्यूज़पेपर का? हमारे पेपर के माध्यम से तो बस यही है कि जो भी सच होता है वही हम दिखाते हैं। हम ना किसी के दबाव में काम करते हैं और ना किसी के प्रेशर में काम करते हैं कि कोई हमें दबा सके। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक बार हमारा पेपर पढ़े आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या प्रेरणा मिलता है और क्या सच्चाई मिलती है। हमने देखा और बहुत अच्छा लगा, और बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि एक बार जो अपनी मातृभाषा हिंदी और जो अपने क्षेत्र का जो अखबार है उनके, वो जो अखबार की जो टीम है जो इसको पूरी तरह से संभाल रही है, जो इसको मैनेज कर रही है, उससे हम मिले, और ये बड़ा अच्छा एक अनुभव रहा। इसके फाउंडर कौन रहे हैं, इसके डायरेक्टर या फाउंडर? हाँ, डायरेक्टर वही राजेश कुमार गांधी सर हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत अच्छे लिखते भी हैं बिना किसी दबाव के, और बहुत अच्छे से 2015 से काम भी किया है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बिहार कथा की पूरी टीम को, फ्रैंक स्वयं चैनल की तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही लिखते रहिए, ऐसे ही कुछ समाज में परिवर्तन लाते रहिए अपने लिखने की कला से। तब तक बने रहिए हमारे साथ, एक और नई कहानी कुछ और नए लोगों के साथ हम फ्रैंक स्वयं का एक और एपिसोड लाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।